आरा शहर के प्रधान डाकघर में रविवार को फिरा टेली क्यूज का आयोजन हेड पोस्ट ऑफिस की तरफ से किया गया है। बता दें कि इसमें आरा शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगी, जिसमें पत्र लेखन से लेकर कई प्रतियोगिताएं होंगी और उसमें जो भी अगर अच्छे कार्य किए रहेंगे, उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। डाक अधीक्षक, बता दें कि डाक अधीक्षक पवन कुमार वर्मा ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले मूर्ति चोरी हुई थी, बरामद किया गया है सर, पूरी आप लोगों को बताना है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर पुलिस की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए बुलाई गई है। पहला महत्वपूर्ण मामला है दोबहा ओपी अंतर्गत 9 मई को। साथ ही फिलाटेली क्विज भी का भी आयोजित रविवार को किया जाएगा। इस आयोजन में बच्चों के बीच डाक घर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और ग्रुप बना के पूछे जाएंगे और बच्चों को रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा। प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार से सभी को रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा। यह मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों के बीच पत्र लिखने की आदत ना छूटे, डाक घर की व्यवस्था जो है उससे उनको रूबरू कराना, टिकट डाक टिकट का संग्रह जो है फिलाटेली जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उससे रूबरू कराना कि ये क्या होता है। डाक टिकट का संग्रह करने के लिए हर एक डाकघर में बच्चे फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट भी खोल सकते हैं, जिसको पीडी अकाउंट बोलते हैं। जैसे हम लोग खाता खोलते हैं जिसमें पैसा जमा करते हैं, उस तरह से पीडी अकाउंट होता है जिसमें बच्चे अपने डाक टिकट का भी संग्रह करते हैं। जब हमारे यहाँ जो भी बच्चे पीडी अकाउंट खुलाते हैं, 200 रुपये में एक पीडी अकाउंट खुलता है, उसके बदले उन्हें स्टाम्प सप्लाई किया जाता है। जो स्पेशल स्टाम्प होता है, वो नॉर्मल स्टाम्प जो काउंटर्स पर मिलते हैं वो नहीं, उनको फिलाटेली स्टाम्प कहा जाता है। वो स्टाम्प हमारे ऐतिहासिक मुद्दे, हमारे ऐतिहासिक धरोहर, हमारे ऐतिहासिक लोग, इन सब चीज़ों पर आधारित होता है। उसको देख करके उस समय का, उस धरोहर के बारे में, उस व्यक्ति विशेष के बारे में या उस परिस्थिति के बारे में स्टाम्प से ही उसका वर्णन किया जा सकता है कि क्या है ये। धन्यवाद।